टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने नेशनल जीआईएस से संचालित भूमि बैंक सिस्टम की शुरुआत की? आरबीआई, नीति आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल जीआईएस सक्षम लैंड बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह प्रणाली इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईआईएस को राज्य के जीआईएस सिस्टम के साथ एकीकृत कर विकसित की जा रही है। यह निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह परियोजना शुरू में 6 राज्यों के लिए शुरू की गई है, लेकिन इसके दिसंबर 2020 तक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित होने की संभावना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक अधिसूचना जारी की है जो मेडिकल कॉलेजों को इस साल से शुरू होने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्स में महामारी प्रबंधन को शामिल करने का संकेत देती है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने घोषणा की है कि अब महामारी प्रबंधन को MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा नियामक के प्रमुख ने कहा कि मेडिकल छात्र इस मॉड्यूल को इसके सामाजिक, कानूनी और अन्य भागों के साथ देखेंगे। यह मॉड्यूल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम वर्ष के स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा। यह डॉक्टरों को कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी WTC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं की उद्यमशीलता में तेजी लाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इस पहल से महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा ताकि नए व्यवसायों की शुरुआत, स्थापना या विस्तार किया जा सके और महिलाएं अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेचने में सक्षम हो सके। WTC महिला उद्यमियों को आगे आने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने और बाजार के अवसरों का दोहन करने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे हुए हैं। इस योजना की प्रारंभिक घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2013, 28 अगस्त 2013, 15 अगस्त 2014 या फिर 28 अगस्त 2014? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 15 अगस्त 2014। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। PMJDY योजना की प्रारंभिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत PMJDY खाताधारकों को लगभग 29.75 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रति माह औसत वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 70वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 72वें। Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रति माह औसत वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत को 72वें स्थान पर रखा गया है। 3,900,000 और 2,64,900 की औसत कमाई के साथ लग्जमबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शीर्ष 10 देशों की सूची में अन्य देश डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कतर, नॉर्वे, हांगकांग और आइसलैंड शामिल हैं। Picodi.com विश्लेषण टीम ने औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर के देशों में कमाई की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करके तैयार की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? डू बेस्ट, फास्टेस्ट इंडिया, रोशनी या फिर चुनौती? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, चुनौती। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है। जिसका नाम चुनौती रखा गया है। यह टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने और सॉफ्टवेयर उत्पादों में शुरू किए गए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक चैलेंज कॉन्टेस्ट है। यह कार्यक्रम मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर के क्षेत्र में प्रमुख नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 3 वर्षों की अवधि में 95.03 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, केंचुआ निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है? निमेटोडा, आर्थोपोडा, मोलस्का या फिर एनिलीडा? सही जवाब है ऑप्शन डी एनिलीडा। जीवों का एनिलीडा वर्ग एनिमेलिया किंगडम का एक प्रकार है। ये जीव जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। जलीय एनिलीडा लवणीय और अलवणीय दोनों तरह के जलों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंचुआ, जोंक और नेरेस कुछ एनिलीडा जीवों के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछलियों में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। सरीसृप श्रेणी के जीवों में श्वसन के लिए फेफड़ों के साथ साथ क्लोम भी पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। मछलियां समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती हैं। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। ये असमतापी होती हैं। इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सरीसृप जीव असमतापी होते हैं। इनका शरीर भी शल्कों द्वारा ढका होता है। सरीसृप श्रेणी के जीवों में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं उसे सबसे पहले किसने शुरू किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान, कैरोलस लीनियस? सही जवाब है ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। इस पद्धति में केवल जीनस और स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर ऊर्जा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज एक मेन प्रोडक्ट होता है जबकि ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? सही जवाब है ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखें। किस मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के नामांकन आमंत्रित किए हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।